चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, वेटनरी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो जिन कैंडिडेट को वेटनरी में एडमिशन लेना है वो अपना समय से रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में डेट वाइज राउंड वाइज शेड्यूल बताऊंगा कि कौन सी डेट को कौन सा राउंड होगा। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार वेटनरी में स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट हो रहा है, जिससे कट ऑफ काफी डाउन जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन होने की वजह से कट ऑफ वेटनरी की काफी डाउन जाएगी। इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी डाउन कट ऑफ जा सकती है इसमें। तो एक बार हम राउंड वाइज शेड्यूल देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वेटनरी की काउंसलिंग के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके इसमें जानकारी ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई है, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, कौन सी प्राइवेट कॉलेज की हाई फीस है जो आपको च्वाइस फिलिंग में फिल नहीं करनी है, च्वाइस फिलिंग कैसे करनी है, इसमें पूरा प्रोसीजर समझा रखा है वेटनरी के लिए। तो आइए एक बार हम इसका पूरा शेड्यूल देख लेते हैं कि तीनों राउंड्स में किस प्रकार से डेट रहेगी और कौन सी डेट को ऑफलाइन काउंसलिंग होगी ये वीसीआई की। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट राउंड का शेड्यूल देखें हम, तो ये लिमिटेड टाइम है, 28 से लेके 30 नवंबर 22 तक रजिस्ट्रेशन है इसके। चॉइस फिलिंग इसकी 29 से लेके 2 दिसंबर तक है और जो रिजल्ट आएगा वो 5 दिसंबर 22 को आ जाएगा इसमें। इसके बाद रिपोर्टिंग 5 से लेकर 9 दिसंबर 22 तक रहेगी। सेकंड राउंड का शेड्यूल 12 दिसंबर 22 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, 14 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगी। चॉइस फिलिंग 13 से 15 दिसंबर रहेगा, रिजल्ट 17 दिसंबर को आ जाएगा और रिपोर्टिंग 17 से लेके 23 दिसंबर 22 तक रहेगी। मोपअप राउंड का शेड्यूल देखें हम इसमें, तो 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। चॉइस फिलिंग 25 दिसंबर से 28 दिसंबर रहेगी, रिजल्ट आ जाएगा 30 दिसंबर 22 को। रिपोर्टिंग होगी 30 दिसंबर 22 से लेके 5 जनवरी 23 तक रिपोर्टिंग रहेगी। तो ये तो तीनों राउंड का शेड्यूल है और ये तीनों राउंड्स ऑनलाइन होंगे। इसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन होगा। इसके लिए इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसमें जो वैकेंट सीट रहेंगी मोपअप राउंड के बाद में, उन सीटों के लिए यहां पर एडमिशन होगा इसमें। इसके बाद में मोपअप राउंड के बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी। मोपअप राउंड में कोई फ्रेश स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा इसमें। इसके बाद में ये ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें जो कैंडिडेट फिजिकली तौर पर प्रेजेंट होगा उसी को सीट अलॉट की जाएगी, और सीट जो अलॉट की जाएगी वो सीट नीट की मेरिट के अकॉर्डिंग अलॉट की जाएगी। एक बार स्ट्रे का शेड्यूल देख लेते हैं, तो 6 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे वैकेंट सीट का अनाउंस हो जाएगा कि कितनी वैकेंट सीटें हैं। इसके बाद में 5:15 पर जो कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे उनकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, यानी कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए इलिजिबल रहेंगे मोपअप में, जिनको सीट मिल गई है वो सीट उन्होंने छोड़ दिया है वो इन एलिजिबल रहेंगे। तो इस प्रकार से इलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी 5:15 पर 6 तारीख को, 6 जनवरी 2023 को। इसके बाद में 10 जनवरी 2023 को प्रेजेंट होना होगा दिल्ली वीसीआई ऑफिस में, और इसका वेन्यू उस समय बता दिया जाएगा कि आपको कहां वीसीआई ऑफिस में प्रेजेंट होना है, वो 11:30 बजे बाद में आपको प्रेजेंट होना है। ये 10 जनवरी 2023 को प्रेजेंट होना है क्योंकि ये ऑफलाइन काउंसलिंग है और उसमें वही कैंडिडेट प्रेजेंट रहेंगे जिनका इलिजिबल लिस्ट के अंदर नाम रहेगा, यानी कि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए इलिजिबल रहेंगे। वही कैंडिडेट 10 जनवरी 22 को वीसीआई ऑफिस दिल्ली में उनको प्रेजेंट होना है, वो अपना वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग ऑन स्पॉट पर ही उनका सिलेक्शन होगा।
इसके बाद में जो ज्वाइनिंग रहेगी वो 10th जनवरी से लेके 16th जनवरी 23 तक ज्वाइनिंग रहेगी कॉलेज के लिए। तो ये ऑफलाइन का शेड्यूल है और इस बार ऑफलाइन होने से कट ऑफ काफी डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑफलाइन में वही कैंडिडेट्स पहुंचते हैं जिनको एक्चुअल में सीट लेनी है। इसके बाद में हम देखें इसमें इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की वो 31st जनवरी 22 रहेगी वेटनरी के लिए, यानी कि 31st जनवरी 23 तक सारे एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे। तो ये शेड्यूल था वेटनरी काउंसलिंग के लिए, जिन कैंडिडेट को वेटनरी में एडमिशन लेना है वो अपना समय से रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी और जानकारी के साथ आपके साथ में फिर हम अवेलेबल होंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।